मानवीय विकास के क्रम में सबसे पहले मानव जंगल में निवास करता था और धीरे धीरे यह क्रम आगे बढ़ता गया। फिर वह समाज में रहने लगा। समाज में रहने के बाद एक कंसेप्ट आया महिला और पुरुष का, यानी ये समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, महिला और पुरुष। फिर बाद में अभी कुछ हाल के वर्षों में एक और तीसरा कंसेप्ट आया जिसमें थर्ड जेंडर की हमने बात की, यानी ये समाज तीन जेंडरों से मिलकर बना था जिसमें महिला पुरुष और थर्ड जेंडर भी शामिल है। अब बात आ रही है जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग, यानी अब बच्चों की परवरिश ऐसे की जाए कि उन्हें बताया जाए या उन्हें ना ही बताया जाए कि वे किस जेंडर के हैं। दृश्य आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ गीतांजलि और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग व्यवस्था के बारे में कि आखिर यह है क्या और इसमें जो बच्चों को पुकारा जाता है उसमें उन्हें कहा जाता है देबीज। तो आखिर ये देबीज क्या है, यह शब्द क्या है, यह कैसे मिलकर बना है, किन शब्दों से मिलकर बना है और इसके पीछे की संकल्पना क्या कहती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा कंसेप्ट होगा आखिर क्या है जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग और इस पेरेंटिंग व्यवस्था की क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले खबर देखेंगे, खबर कहाँ से ली गई है, फिर यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद समझेंगे कि आखिर देबीज है क्या, यह जो शब्द है देबीज यह क्यों चर्चा में आया। इसके संदर्भ में यह भी जानेंगे कि जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग क्या है और इसके बाद जानेंगे कि लोग जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग को क्यों चुन रहे हैं, यानी इसका चुनाव क्यों कर रहे हैं, ऐसे बच्चों की परवरिश का यह तरीका क्यों अपना रहे हैं। इसके बाद इस तरीके के बाद बच्चों के सामने क्या समस्याएं आ सकती हैं या पेरेंट्स को किन किन समस्याओं का सामना इसके बाद करना पड़ सकता है। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही आपको एक और जवाब देना है कि यह जो पूरा टॉपिक है यह जीएस के किस पेपर से संबंधित है, यानी सामान्य अध्ययन के किस पेपर से संबंधित है। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबर। खबर बहुत सारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है, द गार्डियन ने भी इसे कवर किया है। खबर क्या है, रेजिंग देबीज द न्यू पेरेंटिंग ट्रेंड वेयर चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप विद नो जेंडर। यानी यहाँ पर ध्यान रखेगा जेंडर लेस होने की बात नहीं कही गई है, यानी यहाँ किसी भी प्रकार के जेंडर लेस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें शब्द का इस्तेमाल किया गया है जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग, यानी यहाँ उस बच्चे को उसके जेंडर को बताए बिना उसकी परवरिश की जाएगी, यह नहीं बताया जाएगा कि वह शी है या ही है, जबकि उनके संबोधन के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, दे। और इसीलिए इस कंसेप्ट को क्या कहा गया है, देबी। तो हम इसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले देखें कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। तो पूरी दुनिया में अब लिंग तटस्थ होकर बच्चों के पालन पोषण पर जोर दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, या ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कुछ मामले निकल कर सामने आए हैं, इसके साथ ही अन्य पश्चिमी देशों में भी ऐसे मामले निकल कर सामने आए हैं जहां पर पेरेंट्स अब अपने बच्चों को जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग की व्यवस्था दे रहे हैं और उनकी परवरिश ऐसे कर रहे हैं कि उन्हें ना ही बताया जाए कि वे बॉय हैं या गर्ल, उन्हें किसी खास रंग के साथ नहीं जोड़ा जाए, यानी कोई लड़का है तो उसे ब्लू कलर से ही परिचित ना करवाया जाए जबकि उसे पिंक कलर भी पहनाया जाए, कोई लड़की है तो उसे केवल पिंक कलर ही ना दिया जाए, उसे अन्य सभी कलर से यहाँ पर परिचित कराया जाए, किसी स्पेसिफिक जेंडर को, किसी स्पेसिफिक लिंग को किसी स्पेसिफिक कलर से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि यह दुनिया पिंक और ब्लू के बीच में कहीं ग्रे में है। तो ऐसे में इस बात पर जोर दिए जाने की बात चल रही है कि लोगों को या मानव को केवल बॉय या गर्ल के रूप में यहाँ संबोधन ना किया जाए, ऐसे में रूढ़िवादी हो जाते हैं बच्चे। इसलिए क्या कहा जा रहा है, इट्स अ दे, वे ना तो ही है और ना ही शी है। नवजात शिशुओं के माता पिता द्वारा अब इन्हें देबीज कहा जा रहा है, उन्हें दे के संबोधन से इन्हें संबोधित किया जा रहा है, यानी ना तो लड़के और ना ही लड़कियों के रूप में उन्हें पहचानने की जो व्यवस्था है उसे खत्म किया जाए। अब उन्हें ना तो लड़कों के रूप में पहचाना जाए और ना ही लड़कियों के रूप में। पूरी दुनिया में सबसे अधिक समर्थन मिल रहा है किसे, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग को। इस वजह से जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है और इसी वजह से इस टॉपिक पर चर्चा करना काफी जरूरी है कि आखिर यह है क्या। सबसे पहले बात करेंगे देबीज के बारे में कि आखिर देबीज क्या है। दरअसल यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रकार का सर्वनाम आप कह सकते हैं, जैसे तटस्थ सर्वनाम के रूप में देखा जा रहा है, प्रोनाउन के रूप में देखा जा रहा है, क्या दे और बेबीज दो शब्दों का संयोजन है। यह कौन कौन से शब्द हैं, एक तो दे और दूसरा बेबी।
जैसे हम कहते हैं बेबी बॉय, यानी बॉय बेबी या गर्ल बेबी। तो अब इन्हें गर्ल या बॉय ना कहकर क्या संबोधन किया जाएगा इनके लिए? दे। ही और शी ना कहकर अब इनके लिए क्या संबोधन किया जाएगा? दे। तो इसीलिए इस पूरे कंसेप्ट को क्या कहा जा रहा है? दे बेबीज, जो कि दो शब्दों का संयोजन है, दे और बेबी। छोटे बच्चों को संदर्भित करने के लिए ही इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये बच्चे ना तो लड़के हैं और ना ही लड़कियां हैं, जबकि वे दे हैं, यानी वे हैं। वे कंसेप्ट को यहाँ पर लिया जा रहा है। अब बात करें कि आखिर यह कंसेप्ट क्यों शुरू किया जा रहा है। तो यह जो हमारे प्रगतिशील लोग हैं, प्रगतिशील देश हैं, उन लोगों की लोकप्रिय पेरेंटिंग शैली को लेकर इस कंसेप्ट को शुरू किया जा रहा है। जिस शैली के बारे में अभी हमने चर्चा भी की, जिसे क्या कहा जा रहा है? जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग व्यवस्था, जिसमें जन्म के समय निर्धारित लिंग का खुलासा नहीं किया जाएगा। यानी जो पेरेंट्स हैं, और कई ऐसे पेरेंट्स देखे भी गए हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी की है, इसी तरीके से की है कि उन्होंने अपने बच्चे के लिंग का खुलासा नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी उन्हें झेलने को मिली हैं, ऐसी समस्याएं सामने आई हैं जिन्हें उनके बच्चों ने झेला है। तो उनके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। इस पूरी व्यवस्था की बात करें, इस जो पेरेंटिंग शैली जो अपनाई जा रही है जेंडर न्यूट्रल, उसमें कौन कौन सी जो पिछली हमारी विचारधाराएं हैं उन्हें छोड़ा गया है। तो दरअसल इनमें पुराने जो लिंग विशिष्ट नाम है, यानी खास नाम हम दे देते हैं बच्चों को, उनका सर्वनाम रख देते हैं, उन्हें खास खिलौनों से जोड़ देते हैं कि अगर यदि वह लड़की है तो गुड़िया से ही खेलेगी, वह लड़का है तो उसके पास कार होना चाहिए, या अन्य जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वाले उनके जो गेम्स हैं वो होने चाहिए, उनके खास कपड़े और उनके खास सामान से हम उन्हें जोड़ देते हैं। तो इन सभी कंसेप्ट को यहाँ पर खत्म करने की बात कही जा रही है, और बच्चे उस पहचान को विकसित करें जिन्हें वो खुद पसंद कर रहे हैं, या उन बच्चों को जो खुद अच्छा लग रहा है वे उसी कंसेप्ट को यहाँ पर अपनाएं। इस बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है, वे उन्हीं कपड़ों को पहने जिनमें वो कंफर्टेबल है, जिन्हें वो खुद यहाँ पर चूज करते हैं। यानी एक लड़का एक फ्रॉक भी पहन सकता है, इस कंसेप्ट को यहाँ पर लाया गया है। इसमें बच्चों को अपनी पसंद के किसी भी रंग के कपड़े पहनने की अनुमति होगी, किसी भी खिलौने से खेलने की अनुमति होगी। इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर किया जाएगा। जो लिंग से संबंधित हमारे समाज में रूढ़िवादी कंसेप्ट है कि लड़की किचन की लड़की किचन तक ही सीमित है, या वो किचन में जाकर कार्य करना उसी का काम है, इस कंसेप्ट को खत्म करने की बात कही जा रही है। बाइक राइडिंग करना एक लड़के का ही काम है, इस कंसेप्ट को खत्म करने की बात इसके अंतर्गत की जा रही है, जिसमें मोटर स्किल भी शामिल है। ये तो हमने देखा देबीज के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसका चुनाव वर्ल्ड लेवल पर क्यों किया जा रहा है, या जो पेरेंट हैं वे जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग क्यों चुन रहे हैं। दरअसल इसे एक कंसेप्ट माना जा रहा है जागृत माता पिता के संदर्भ में। तो जागृत जो पेरेंट्स हैं उनके बीच ये काफी प्रचलन में है, जिसमें वे पालन पोषण की ये शैली आत्मनिर्णय के लिए अपना रहे हैं। यानी उनका जो बच्चा है वह अपने लिए निर्णय ले सक्षम हो, अपने लिए निर्णय लेने में इस कंसेप्ट को विकसित करने के लिए, बच्चे अधिक रचनात्मक हो इस कंसेप्ट को विकसित करने के लिए इस शैली को अपनाया जा रहा है। उन्हें अधिक छूट प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी इसके अंतर्गत, जिससे वो जो पूर्वाग्रह है लिंग को लेकर, किसी बच्चे को लेकर जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, उनसे उन्हें मुक्ति मिलेगी। और जो समाज में प्रताड़ना हो रही है बच्चों की, खासकर महिलाओं के संदर्भ में बात करें, गर्ल के संदर्भ में बात करें, तो उन्हें उन प्रताड़ना से यहाँ पर बचाया जा सकेगा। यह जो कंसेप्ट, क्योंकि समाज में यदि पता चल जाए कि वो लड़की है तो फिर कुछ ऐसी यहाँ पर पाबंदियां ऑटोमेटिक ही लग जाती हैं उन पर। तो जब ये इस बारे में कंसेप्ट ये बाहर नहीं आएगा कि वह क्या है, उसके लिंग का पता नहीं चलेगा, तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर पाबंदी उस पर नहीं होगी, वह अपने मन मुताबिक जीवन को जी सकेंगे। ऐसे मानव अधिकारों के संदर्भ में भी लिया जा रहा है। इसके बारे में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने चर्चा भी किया है। यानी ऑस्ट्रेलिया का ही एक केस है जिसमें जो महिला है वे इंजीनियर हैं। वे पेशे से इंजीनियर होने के बाद फिर उन्होंने इस बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में चर्चा की कि उनके दो बच्चे थे, यानी ट्विन थे। तो उन्होंने जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग व्यवस्था को अपनाने की बात कही कि वो इस कंसेप्ट पर चलेंगी और अपने दोनों बच्चों को की परवरिश ऐसे करेंगी कि वे उन्हें ना बताएं कि वह शी है या ही है। और इसी व्यवस्था के तहत वे अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए इस कंसेप्ट के बाद उन्होंने इसकी चर्चा भी की। इसमें पुरुष प्रधान पेशे या समाज में उन्होंने इस बात को कहा कि महिलाओं की काबिलियत को अभी भी कम आंका जाता है, यानी वे खुद इंजीनियर हैं। फिर उन्होंने अपने अनुभव के बाद इस फैसले को लेने के लिए कहा कि अब वे अपने अपने बच्चों को जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग देंगी, जिसमें एक शोध भी निकल कर सामने आया। शोध में क्या कहा गया कि वयस्क 11 महीनों में महिला बच्चों के मोटर कौशल, यानी जो मोटर स्किल्स होती हैं, उठना बैठना दौड़ना भागना सामान उठाना मसल्स पावर आदि, इनको कम आंकते हैं।
जबकि ये परवर, अगर आपने 11 महीने में ही डिसाइड कर दिया है कि उसकी जो स्किल है, जो उसकी मोटर स्किल है कम है, तो हो सकता है कि आपकी परवरिश में फिर वो ढल जाए। यदि वह परवरिश में ढल जाता है तो बायोलॉजिकल तरीके से फिर व्यक्ति काफी कमजोर अपने आप को महसूस कर सकता है। ऐसे में जब आप ऐसे कंसेप्ट को पहले ही मान लेंगे कि वह बच्चा ना तो ही है ना ही शी है, तो उसकी परवरिश पर आप बराबर से ध्यान देंगे और उनकी जो स्किल्स हैं, जो मोटर स्किल्स हैं, वे बराबर से आगे बढ़ेंगे, यानी उनके मसल्स पावर हो सकते हैं कि आगे भी बराबर हो। इसलिए इस व्यवस्था को अपनाने की बात इन्होंने कही थी। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि लिंग एक जैविक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि एक सामाजिक निर्माण है जो शुरू से चला आ रहा है, इसीलिए हम उसी कंसेप्ट को मानते हुए आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। यह लिंग ही कंसेप्ट नहीं है, यानी जो जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग की बात चल रही है उसमें यह जेंडर लेस कंसेप्ट ना होने की बात कही कि यह जेंडर लेस कंसेप्ट नहीं है, जबकि जो जेंडर को डिफाइन करने के लिए अनिवार्य जो शर्तें हैं उन शर्तों को ना मानने की बात इसके तहत की जा रही है, उन शर्तों के मुताबिक ना चलने की बात इसके अंतर्गत कही जा रही है। जो हमारे भारत में बाइनरी कंसेप्ट है, या तो बॉय या तो गर्ल, जबकि दुनिया है इसके बीच में कहीं है, ग्रे है, ना तो ब्लू है ना ही पिंक है। तो ऐसे में क्या कहा जा रहा है कि जो दो आधार पर हमने श्रेणियां डिवाइड किए हैं उन्हें खत्म करके लड़का या जो लड़की अवधारणा है इसे हम क्या मानते हैं कि विपरीत है, ये आपस में विपरीत नहीं है, अलग नहीं है, इस कंसेप्ट को खत्म करने की बात की जा रही है। और इसीलिए जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग व्यवस्था को यहाँ पर सराहना भी मिल रही है। अब यदि हम बात करें कि आखिर यह बाहर क्यों आया, ये कंसेप्ट बाहर क्यों आया, तो हम सभी जानते हैं कि ये कंसेप्ट आया किस संदर्भ में, मानवाधिकारों के संदर्भ में, कि प्रत्येक मानव का अपना अधिकार होता है। और अब तक क्यों नहीं सामने आ रहा था, क्योंकि जिसके पास पर्याप्त विशेषाधिकार हैं वे इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, और अब तक जो समाज था वह पुरुष प्रधान था। जैसे ही महिलाओं का वर्चस्व पेशे में बढ़ा है, कई प्रकार की सेवाओं में बढ़ा है, तो उन्हें इस कंसेप्ट के बारे में पता चला कि बचपन से ही जब परवरिश इस तरीके से की जा रही है कि वह ही है शी है, तो उसी तरीके से समाज भी ढल गया है। तो ऐसे में समाज में बदलाव लाने के लिए इन विशेषाधिकारों को, जिनके पास जो विशेषाधिकार है, उन विशेषाधिकारों को उन पर्टिकुलर व्यक्ति तक सीमित ना हो, इन्हें खत्म करने के लिए इस व्यवस्था को लाने की बात कही गई, ताकि बच्चे अधिक रचनात्मक हो सके, विपरीत जेंडर के प्रति उनकी जो दिलचस्पी है, उन्हें समझने की जो दिलचस्पी है वह बेहतर हो, इसी लिहाज से इसकी शुरुआत की गई है। बच्चों के आत्मविश्वास और रचनात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। जेंडर इक्वालिटी को इससे बढ़ावा मिलेगा, इसलिए भी यह कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही वे बच्चे सामाजिक अपेक्षाओं को अपने व्यक्तित्व को निर्धारित करने की अनुमति ना दें, और वे अपने हिसाब से ही जीवन को चुने, अपने हिसाब से अपने जीवन के तरीके को चुने, इसीलिए इस व्यवस्था को चुनने की बात कही गई है। बच्चे अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रामाणिकता को खोए बिना अपने जीवन को जिए और अपने कार्यों को करें, अपनी सोच और अपनी दिलचस्पी को उसी अनुसार बढ़ाएं, इसलिए इस कंसेप्ट को लाने की बात वर्ल्ड लेवल पर की गई है। और कई ऐसे पेरेंट्स देखे गए हैं पश्चिमी देशों में जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इसी तरीके से और इसी व्यवस्था से की है। अब हम जानेंगे कि आखिर इसके बाद समस्या क्या आ सकती है, यानी आपने अपने बच्चों की परवरिश अपने घर में ऐसे की कि वह जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग व्यवस्था उन्होंने अपनाई, लेकिन अब उन बच्चों के सामने क्या समस्याएं आएंगी, पेरेंट्स के सामने क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जब आपने अपने बच्चों की परवरिश ऐसे कर दी, लेकिन आपको उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर स्कूल में भेजना पड़ेगा, और समाज वैसा ही है, इस समाज में लिंग आधारित व्यवस्था आज भी मौजूद है। तो जब वे बच्चे लिंग आधारित दुनिया में प्रवेश करेंगे, तो उसके बाद उनके सामने कई सारी समस्याएं पैदा होंगी, जिनमें आप उस श्रेणी में अपने बच्चे को फिट नहीं कर पाएंगे। वे बच्चे अपने आप को उस श्रेणी में फिट नहीं समझेंगे, अपनी पहचान को लेकर उनमें कंफ्यूजन होगा, हो सकता है बच्चे उन्हें स्कूल में चिढ़ाएं, उनके कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाएं, और हो सकता है कि बच्चे इससे भ्रमित हों और वंचना का शिकार महसूस करें अपने आप को, हो सकता है वे अवसाद में भी चले जाएं। तो इसलिए इनके पीछे इन समस्याओं के बारे में भी चर्चा की गई है। जेंडर स्पेसिफिक सर्वनाम को बोलने में परेशानी हो सकती है पेरेंट्स में, क्योंकि अभी तक आपने देश शब्द का संबोधन किया है, तो वहां पर आप जब किसी लड़की को कहेंगे किसी कार्य को करने के लिए, तो वहां पर या तो तुम ऐसा करोगी, ऐसा तुम करते हो, करोगे, ऐसे शब्दों का जो संबोधन है वह कैसे हो पाएगा, इसके बारे में भी इसमें समस्या के रूप में इसे बताया गया है। जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग थोपी जाएगी, यानी ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अभी इसकी शुरुआत की व्यवस्था नहीं की जा सकती, या समाज इतना बड़ा है जो अभी भी इन दो आधारों पर डिवाइड है, महिला और पुरुष। तो ऐसे में उस समाज में भी यदि लोग इस पेरेंटिंग व्यवस्था को अपनाने लगे, तो बच्चों पर यह थोपने जैसा होगा, उस समाज में उस पेरेंट्स पर भी थोपने जैसा होगा, क्योंकि हो सकता है वे इसे वहन ना कर पाए।
इसके साथ ही एक और कंसेप्ट है जो इसके बाद काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि अभी तक हम सभी जानते हैं कि महिला पुरुष के बाद हम बात कर रहे थे थर्ड जेंडर की। जब थर्ड जेंडर वाला कंसेप्ट आया तो अब आप यदि बात कर रहे हैं जेंडर न्यूट्रल होने की तो इनकी पहचान पर अब संकट हो जाएगा। ऐसे बच्चों की परवरिश जो हम LGBTQ+ कम्युनिटी है इनका जो आंदोलन चल रहा है अपने पहचान को लेकर, इनके आंदोलन को इससे नुकसान पहुंचेगा और इनकी पहचान को मिटा सकने, इनकी पहचान को कम करने में ये जो जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग है कहीं ना कहीं सामने आ जाएगी। इसके साथ ही एक और बात आ रही है कि जब पेरेंट जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग को अपनाएंगे तो बच्चों के पास बच्चे अन्य प्रकार में ढल जाएंगे, यानी ही और शी के बाद एक अन्य प्रकार में उन्हें जबरन यहाँ पर ढकेल दिया जाएगा। तो इसे खत्म करने की बात भी कही गई है कि ऐसा जबरदस्ती ना हो, लोग खुद इस कंसेप्ट को अपनाएं। जब आपका समाज ऐसा हो पाए कि आप इस कंसेप्ट को अपना पाए, अपने बच्चों को ऐसे वंचना से यहाँ पर इन वंचना के शिकार से बचा पाए, बच्चों को भ्रमित होने से बचा पाए, उन्हें कंफ्यूज होने से बचा पाए, तब आप ऐसी पेरेंटिंग व्यवस्था को अपनाएं। इसके साथ इस पूरे कंसेप्ट पर अंतिम शब्द में यदि हम कहें तो अभी भी यह एक प्रकार का प्रयोग है, यानी इसे अभी पूरे समाज में प्रैक्टिकल तरीके से नहीं देखा गया, नहीं अपनाया गया, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही कहा जा सकता है कि एक प्रयोग है। फिर भी हम हमारे बच्चों को प्रयोग के लिए भी क्यों इस्तेमाल करें, ये भी एक बात निकलकर सामने आती है। ये तो हमने चर्चा की देबीज के बारे में, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग के बारे में। अब हम देखते हैं आज के कंसेप्ट पर आधारित हमारा प्रश्न, या फिर इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है और है। कथन क्या है? जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग प्रगतिशील लोगों की लोकप्रिय पेरेंटिंग शैली है। दूसरा, इससे बच्चे रचनात्मक और विपरीत जेंडर की दिलचस्पी को समझने में सक्षम होंगे। पूछे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपके लिए एक और सूचना है कि दृष्टि आईएएस ने अपने सी सेट को लेकर प्रोग्राम यानी क्लास शुरू की है, तो इससे संबंधित आप जो भी जानकारी जानना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप इनडेप्थ सेक्शन का पीडीएफ चाहते हैं तो दृष्टि के टेलीग्राम इनडेप्थ के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ अन्य प्रोग्राम्स को देखने के लिए दृष्टि आईएएस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।